NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इमेजिनेट प्रो पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च पैराडाइम की और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे एक्जियोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, इनसे रिलेटेड हमारे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों पॉजिटिविज्म पैराडाइम और उसके बाद में इंटरप्रेटिव पैराडाइम, उसके बाद पोस्ट पॉजिटिविज्म और उसके बाद में क्रिटिकल पैराडाइम और उसके बाद में कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम। ये पैराडाइम दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे यूजीसी नेट पेपर वन एग्जाम के लिए और इससे रिलेटेड पहले काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी क्वेश्चन इनमें से आएंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि पहले हम इससे रिलेटेड थ्योरी करेंगे और उसके बाद में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड आज तक किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों NTAUGCNET एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी। नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे। नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे। जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं। जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और DI के क्वेश्चन सोल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर। इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी। जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिटेल में अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों रिसर्च पैराडाइम होता क्या है और इसको हिंदी में अगर देखें तो शोध प्रतिमान इसको बोला जाता है। और इसको मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है, क्या है ये। रिसर्च पैराडाइम इज द सेट ऑफ कॉमन बिलीफ एंड एग्रीमेंट्स शेयर बिटवीन साइंटिस्ट अबाउट हाउ प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड एंड एड्रेस। ये किसने कहा था, ये थॉमस कुहन ने कहा था। इनका मानना था कि जो रिसर्च पैराडाइम है ये कॉमन बिलीव होता है, एग्रीमेंट होता है जो साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। जैसे कोई किसी एक्सपेरिमेंट को करने का क्या रूल रेगुलेशन है, कोई स्टडी करनी है, कोई रिसर्च करनी है। अब हम पढ़ते ना कि जैसे एक्शन रिसर्च को करने के क्या क्या स्टेप है, प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट, तो वो किसने बनाए हैं, वो नियम किसने बनाए हैं, किस तरीके से ये सारे सेट मतलब बनाए गए हैं, ये एग्रीमेंट बनाए गए हैं, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं, रिसर्च पैराडाइम। रिसर्च पैराडाइम का मतलब होता है कि हमारी रिसर्च करने के लिए अलग अलग तरीके बनाए गए हैं। जैसे हम बात करके चले इथेनोग्राफिक रिसर्च का जो तरीका है वो अलग है, एक्सपेरिमेंटल का अलग है, हर तरह की रिसर्च करने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो वो जो रूल रेगुलेशन और जो कॉमन चीज़ें बनाई गई है उन सभी को हम रिसर्च पैराडाइम बोलते हैं। और ये इसमें थॉमस कुहन ने बताया था इसके बारे में सबसे पहले और ये हमारा यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस तरह से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें देखिए रिसर्च पैराडाइम को पढ़ने से पहले हम अगस्त का जो अगस्त कॉमेट के विचार है उनको समझना जरूरी है। देखिए फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्री अगस्त कॉमेट का कहना था कि समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। ये क्या करता है, समाजशास्त्र जो है ना, जो सोशियोलॉजी है, वो सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है इसके अंदर। और जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार समाजशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।
ठीक है, यानी कि समाज को समझने के लिए भी क्या है हमें वैज्ञानिक तरीके अपनाने पड़ेंगे, तब हम समाज के सिस्टम को अच्छे से समझ पाएंगे। समाज में क्या बदलाव हो रहे हैं, लोगों की थिंकिंग कैसे बदल रही है और लोगों को हम किस तरीके से अच्छे मार्ग पर लेके जा सकते हैं। सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और इसके बारे में इन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक पॉजिटिव पॉलिसी के नाम से लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने सर्वप्रथम सोशियोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। और इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक थी पॉजिटिव फिलोसफी में उन्होंने मानव ज्ञान के 3 स्तरों का वर्णन किया था। इनकी अगस्त कॉमेट की जो पुस्तक थी पॉजिटिव फिलोसफी, इसमें इन्होंने 3 स्तरों का 3 स्टेज का वर्णन किया है। तो ये 3 स्टेज कौन सी है, नंबर 1 है धार्मिक स्तर है, दूसरा तात्विक स्तर और तीसरा है वैज्ञानिक स्तर। अब देख लेते हैं ये क्या है। द थियोलॉजिकल स्टेज, नंबर 1 पे क्या होते हैं थियोलॉजिकल स्टेज। इस स्तर पर मनुष्य का यह सोचना होता कि समस्त चीजें अलौकिक शक्ति द्वारा प्रभावित होती है, इन अलौकिक शक्तियों के कारण ही घटनाएं घटित होती है। इस स्टेज में मनुष्य क्या सोचता है कि जो भी घटित हो रहा है उसके आसपास वो अलौकिक शक्तियां कर रही है, इसमें भगवान का हाथ है और वो ही सब कुछ इसमें कर रहे हैं। और उसके बाद में हम बात करें मेटाफिजिक्स की, बात करें मेटाफिजिकल स्टेज। कॉमेट के अनुसार दूसरी अवस्था है तात्विक सोच। इस स्थिति में व्यक्ति एक अदृश्य तथा निराकार शक्ति के अस्तित्व को महसूस करता है, इसमें सोचता है कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ है क्योंकि मैंने भगवान की पूजा की थी, मेरे साथ ये गलत घटित हो गया क्योंकि मैंने भगवान की पूजा नहीं की, भगवान के बारे में गलत सोच लिया, ये हो गया। तो वो ऐसा महसूस करता है कि जो कुछ भी आसपास हो रहा है ना, वो कुछ अदृश्य शक्ति है और जो उसके साथ जुड़ी हुई है उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इसको मेटाफिजिक्स कहते हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक स्तर, द पॉजिटिव और साइंटिफिक स्टेज। तीसरी अवस्था ज्ञान की वह अवस्था है जो 20वीं सदी के आरंभ के दशक में शुरू हुई थी। इस स्तर पर वैज्ञानिक सोच पर आधारित ज्ञान को महत्व देता है। यहाँ पे क्या करता है मनुष्य, जो वैज्ञानिक सोच है साइंटिफिक वे में चीज़ों को सोचता है, मेरे को चोट लगी है तो क्यों लगी है, मेरे को घाटा हुआ तो क्यों हुआ है, मेरे को मुनाफा हुआ तो क्यों हुआ है, उसके पीछे वो लॉजिक लगा के देखता है, साइंस के रूल रेगुलेशन लगा के देखता है, ये चीज़ ऐसे घटी है तो क्यों घटी है, इसके पीछे रीजन क्या है। तो ये 2-3 स्टेज है दोस्तों, यहाँ से हमारे क्वेश्चन आ चुके हैं। और इसके अलावा दोस्तों पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने के लिए हमें कुछ और टर्म्स हैं, उनके बारे में भी समझना जरूरी है। नंबर 1 पे दोस्तों मूल्य मीमांसा, जिसको एक्सियोलॉजी बोलते हैं, सत्ता मीमांसा जिसको ओंटोलॉजी बोलते हैं, और ज्ञान मीमांसा जिसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओंटोलॉजी की, और इसको सत्ता मीमांसा बोलते हैं ऑन्टोलॉजी को। इसमें देखिए व्हाट इज रियलिटी इज अबाउट व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट। ये किस पे बिलीव करता है, जो चीज़ हमारे सामने है उस पे हम बिलीव करते हैं, जो हमारे सामने नहीं है उसको हम बिलीव नहीं करते, उसको हम नहीं मानते। व्हाट एग्जिस्ट एंड व्हाट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑन्टोलॉजी इज अ सब कैटेगरी सब ब्रांच ऑफ मेटाफिजिक्स। ये मेटाफिजिक्स की एक सब ब्रांच है। ये क्या कहता है, वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, ये रियलिटी पे डिपेंड करता है। रियलिटी में अगर हम कुछ कुछ चीज़ देख ले, जैसे कोई व्यक्ति है वो कहेगा भाई मैं भूत को नहीं मानता, क्यों, क्योंकि मैंने भूत को देखा ही नहीं है कभी। हाँ मैं गाय को मानता हूँ क्योंकि मैंने गाय को देखा है। तो ऐसे व्यक्ति वो होते हैं जो केवल उनके सामने प्रत्यक्ष कोई चीज़ दिखाई जाए उसी पर वो बिलीव करते हैं, बाकी चीज़ों पर वो बिलीव नहीं करते। और इसके बाद में हम बात करें दोस्तों एपिस्टेमोलॉजी है, इसको ज्ञान मीमांसा बोलते हैं। इसमें हाउ डू यू नो, इन सिंपल टर्म एपिस्टेमोलॉजी इज द फिलोसफी ऑफ नॉलेज और ऑफ हाउ वी कैन टू नो। इसमें क्या होता है कि ये इसको कहते हैं नॉलेज ऑफ नॉलेज कहा जाता है, भाई हम किसी चीज़ का ज्ञान किस तरह से ले सकते हैं, नॉलेज ज्ञान हम किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में। हाउ डू वी नो, हम किस तरह से जान सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि हमें आकाश में उड़ना है, पक्षियों की तरह उड़ना है, तो हम किस तरह से उड़ सकते हैं, नॉलेज ऑफ नॉलेज को एपिस्टेमोलॉजी बोला जाता है। और ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नॉलेज ऑफ नॉलेज को क्या बोला जाता है, तो इसको हम एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। आप कैसे जानते हैं, सरल शब्दों में एपिस्टेमोलॉजी ज्ञान का दर्शन है, हम कैसे जानते हैं, ज्ञान का ज्ञान हमें एपिस्टेमोलॉजी देता है।
तो ये है दोस्तों इसके अंदर। और उसके बाद में है नंबर 3 पे एक्सियोलॉजी है, इट इज अबाउट वैल्यू सच एज गुड एंड बैड, मॉरल एंड इमोरल। ये हमारी वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं भाई, क्या सही है क्या गलत है, क्या नैतिक है क्या अनैतिक है। क्वेश्चन अबाउट वॉट द मीनिंग ऑफ लाइफ इज एंड हाउ वी शुड लिव। एक्सियोलॉजी इज इन्फॉर्म्ड बाय बोथ एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। एक्सियोलॉजी दोनों के द्वारा ये इंट्रोड्यूस इन्फॉर्म की जाती है, मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी द्वारा। इसमें हम ये देखते हैं भाई अच्छा क्या है, बुरा क्या है, नैतिक क्या है, अनैतिक क्या है, इन जैसे मूल्यों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं। जीवन का अर्थ है, जीवन का अर्थ क्या है, हमें किस तरह से जीना है, इन यानी कि वैल्यू के बारे में हम सोचते हैं। और उसके बाद में बात आती है दोस्तों हमारे रिसर्च पैराडाइम। तो अभी हम बात करेंगे जो मुख्य इम्पोर्टेंट हमारे रिसर्च पैराडाइम है उनके बारे में, और इसमें साथ के साथ मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा। और बाद में हम इससे रिलेटेड 2012 से लेकर आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, और बिल्कुल चुटकियों में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आपको पूरा जो फंडा है फंडा क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा था और आपने क्या सीखा है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, या पॉजिटिविज्म भी इसको बोलते हैं, इसको प्रत्यक्षवादी प्रतिमान भी बोलते हैं। यह अवलोकन योग्य घटनाओं का अध्ययन करने के लिए अनुभवजन्य मात्रात्मक तरीकों के उपयोग पर जोर देता है। इसमें देखिए कोई भी चीज़ है उसको हमें समझना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अनुभव हम देखेंगे कि हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और इसमें मात्रात्मक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है यानी कि क्वांटिटेटिव। इसमें देखिए दो तरीके यूज होते हैं, याद रखना यहाँ से हमारे क्वेश्चन आएगा, यूज ऑफ इम्पेरिकल एंड क्वांटिटेटिव मेथड। इसमें इम्पेरिकल यानी कि अनुभव भी हम देखते हैं और हमारा क्या रहा है यानी कि जो आंकड़े आंकड़े क्या रहे हैं। जैसे मान के चले अगर हमें ये कोई ये कह दे भी यार आज ना गर्मी बहुत हो रही है, अब पिछले ना 4 दिनों से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो उसको हम किस तरह से मतलब देख सकते हैं, गर्मी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। दो तरीकों से हम मेजर कर सकते हैं। नंबर एक पे इम्पेरिकल हम देख सकते हैं कि हाँ सच में मेरे जो शरीर है शरीर को गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है मेरे शरीर को। एक तो नंबर एक तो तरीका ही हो गया इंपेरिकल यानी कि उसको अनुभव करके, हाँ भाई 3 दिनों से मेरे को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। दूसरा तरीका क्या है, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर हम टेम्परेचर देखेंगे, हम कहेंगे भाई चलो एक काम करते 3 दिनों का पिछला टेम्परेचर निकालते, आज से 3 दिन पहले और उससे 3 दिन पहले क्या टेम्परेचर था वो हम देखते हैं। तो हमें पता चला भाई 3 दिनों में जो टेम्परेचर है वो क्या था, पहले दिन था 35, उसके अगले दिन था 37 और फिर था 37। तो हमें पता चल गया भाई हर दिन जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और इन 3 दिनों से पहले जो टेम्परेचर था वो 30 डिग्री से कम था। तो हमने यहाँ पे 2 तरीके अपनाए हैं, इम्पेरिकल और क्वांटिटेटिव। दोनों तरीकों से हमने पता कर लिया भाई हाँ रियल में अभी गर्मी पड़ रही है। तो ये चीज इसके अंदर होती है दोस्तों। यह आमतौर पर मात्रात्मक अनुसंधान विधियों से जुड़ा हुआ होता है, इसमें स्पेशली फोकस किया जाता है दोनों चीजों पे, इंपेरिकल और क्वांटिटेटिव, और ज्यादातर फोकस किया जाता है मात्रात्मक, जो भी हमारे पास चीजें आती है उस पर हम बिलीव करते हैं। और उसमें ये देखिए इसकी विशेषता ये दिया हुआ है, क्वांटिटेटिव मेथड स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट और स्टैटिकल एनालिसिस। स्टैटिकल एनालिसिस ये हो गया यानी कि कोई भी हमारे पास आंकड़े हैं उन आंकड़ों को हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण मैं आपको ऊपर देके आ चुका हूँ, ऊपर दिया है मैंने आपको उदाहरण। एक और उदाहरण यहाँ पे अगर देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, एक शोधकर्ता रोगियों के रक्तचाप के स्तर पर नई दवा के प्रभाव की जाँच करने के लिए नियंत्रित प्रयोग करता है। यानी कि वो क्या करता है, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई, तो उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा भाई इसको कितनी दवाएं दूं, कितने दिन परहेज रखें, क्या खाएगा क्या पिएगा तो उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, एक तो इम्पेरिकल तो क्या हो गया कि उस जो मरीज है मरीज को क्या अनुभव हो रहा है, मेरी दवाई देने से पहले मैं 2 दवाई देता था उससे उसके शरीर में क्या बदलाव आया, जब मैं 4 दवाई देने लग गया तो क्या बदलाव आया। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव भी है और ये इम्पेरिकल भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। आगे हम बात करते हैं दोस्तों इंटरप्रेटिव पैराडाइम। इंटरप्रेटिव पैराडाइम व्याख्यात्मक प्रतिमान इसको बोलते हैं। व्याख्यात्मक प्रतिमान या इंटरप्रेटिव पैराडाइम जिसे गुणात्मक प्रतिमान के नाम के रूप में जाना जाता है, गुणात्मक प्रतिमान के रूप में इसको जाना जाता है। इसमें क्या करते हैं हम व्यक्ति या समूह के व्यक्तिपरक अनुभवों अर्थों और व्याख्याओं को समझने पर
ध्यान केंद्रित करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस जो होता है वो होता है इन डेप्थ इंटरव्यू करना, इम्पेरिकल स्टडी करना, और इसमें क्वालिटेटिव मेथड का इस्तेमाल करना। इसमें इसमें हम क्या, ये जैसे यहाँ पे पता चल रहा है गुणात्मक, ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसमें हम बंदे की क्वालिटी देखने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आदिवासियों के बीच में यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे इनसे इनके साथ बैठ के चीज़ें देख रहे हैं, भाई हाँ बताओ आपके यहाँ पे क्या समस्या है, आपके यहाँ पे जब बारिश होती है तो क्या महसूस होता है, यहाँ पे जब गर्मी आती है तो कौन कौन सी बीमारियाँ फैलती हैं और उन बीमारियों का आप इलाज कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो हम इन डेप्थ इंटरव्यू इसके अंदर करते हैं उनकी। इसमें क्वालिटेटिव ज़्यादा होता है, क्वांटिटेटिव बहुत कम इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसकी विशेषताएँ क्या है, जैसे देखिए क्वालिटेटिव मेथड, इन डेप्थ इंटरव्यू और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसके अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है। तो ये चीज है हमारे इंटरप्रेटिव पैराडाइम के अंदर। और इसमें देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ का पता लगाने के लिए साक्षात्कार, अवलोकन और सामग्री विश्लेषण जैसे गुणात्मक तरीकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और उसके बाद में दोस्तों हमारा नंबर 3 पे पोस्ट पॉजिटिविज्म या पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, उत्तर प्रत्यक्षवादी प्रतिमान। इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्यक्षवादी और व्याख्यावाद दोनों के तत्वों को शामिल किया जाता है। इसमें हमने ऊपर जो पढ़ा है ना, पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिविज्म, उन दोनों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मिश्रित विधियाँ, ऊपर जो दोनों विधियाँ उन दोनों का मिश्रण इसके अंदर होता है। मिश्रित विधियों संदर्भ पर जोर देते हैं, शोधकर्ता के प्रभाव को स्वीकार करते हैं। इसमें देखिए क्वालिटेटिव मेथड, इन डेप्थ इंटरव्यू और पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन इसमें होती है। अब देखिए जहाँ पे एक तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मात्रात्मक परीक्षण स्कोर और गुणात्मक छात्र प्रक्रिया दोनों का उपयोग करके शिक्षण विधियों के प्रभाव का आंकलन करने वाला अनुसंधान। मतलब क्या है, सिंपल सा मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम जैसे टीचर हैं तो टीचर क्या करते हैं, बच्चे का आंकलन कैसे करते हैं, बच्चे को इवेल्युएट कैसे करते हैं। एक तो हम उसका टेस्ट लेके देखेंगे, टेस्ट में उसके एनुअल एग्जाम में कितने नंबर आए हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वालिटेटिव हो गया, क्वालिटेटिव हो रहा है इसके अंदर, सॉरी क्वांटिटेटिव हो गया क्योंकि इसमें आंकड़े पता चल गए। मैथ में उसके 50 में से 39 नंबर आए हैं, सॉरी इंग्लिश में 39 नंबर आए हैं, मैथ में 41 नंबर आए हैं, साइंस में उसके 29 नंबर आए। यहाँ पे ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये देखिए ये मैडम है और ये सभी बच्चों को ऑब्जर्व कर रही है और हो सकते हैं हम इनको इंटरेक्ट भी कर रहे हैं और बच्चों से इंटरव्यू भी ले रहे हैं, भाई बुला के पूछ रहे, भाई आ भाई इधर आ बच्चे, तेरे को क्या प्रॉब्लम, तू पढ़ क्यों नहीं रहा है, पहले तो तू बहुत अच्छा पढ़ता था लेकिन अब तो तू पढ़ता नहीं है। तो इसके अंदर क्या है कि हम इन डेप्थ इंटरव्यू भी करते हैं, प्लस में जो क्वांटिटेटिव मेथड अपनाते थे वो भी अपनाते हैं, यानी कि दोनों का इसके अंदर मिक्सचर होता है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अब हम बात करते हैं क्रिटिकल पैराडाइम, आलोचनात्मक प्रतिमान। देखिए क्रिटिकल पैराडाइम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसके अंदर हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास मुद्दा है उसमें ये देखते हुए इसमें अच्छी बात क्या है, इसमें बुरी बात क्या है, उसकी खींचातान हम करते हैं। आलोचनात्मक प्रतिमान सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत में गहराई से निहित है। इस प्रतिमान में शोधकर्ता का लक्ष्य मौजूदा शक्ति संरचनाओं, सामाजिक असमानता और प्रमुख विचारधाराओं को उजागर करना और उनको चुनौती देना है। यानी कि कोई भी हमारे समाज में चीज़ें हो रही हैं तो उसमें क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चुनौती देना, उस पर ऑब्जेक्शन उठाना, कोई भी चीज़ अगर अलग है तो उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना। तो ये इसके अंदर होता है दोस्तों। और इसमें हम यही करते हैं कि मुक्ति पर जोर देते हैं, कोई चीज़ अगर कुछ गलत हो रही है तो उस पर हम मुक्त करने का प्रयास करते हैं और मौजूदा सत्ता संरचनाओं को चुनौती देने का प्रयास किया जाता है इसके अंदर। यानी कि क्रिटिकल, यार समझ रहे हैं आप यहाँ से, क्रिटिकल यानी कि क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना। जैसे कोई मूवी आई है हमारे आसपास, अभी कोई मूवी रिलीज हुई है, उस मूवी की हम वो करते हैं ना, उसका रिव्यू करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उसमें बताते हुए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है।
और इसमें आगे हम बात करें, जैसे ये देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया हुआ है कि जो मीडिया प्रतिनिधि है वो आलोचना करते हैं, जो टीवी न्यूज़ एंकर है, न्यूज़ एंकर हमेशा ये नहीं करेंगे कि वो हमेशा ही मतलब किसी चीज़ की अच्छाई नहीं बताएंगे, वो खिंचाई भी करेंगे, दोनों काम वो वहाँ पे करेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम, रचनावादी प्रतिमान। रचना कंस्ट्रक्टिव, जैसे नाम से पता चल रहा है कंस्ट्रक्टिव, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ चीज़ बनाने का प्रयास करते हैं, इसमें कुछ प्रोड्यूस करते हैं। रचनावादी प्रतिमान व्याख्यात्मक प्रतिमान के साथ कुछ समानताएं साझा करता है, लेकिन ज्ञान के निर्माण में शोधकर्ता और प्रतिभागियों की भूमिका पर अधिक जोर देता है। छोड़ो इस बात को, मैं जो सिंपल बता रहा हूँ वो आप समझो। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव चीज़ करने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए हम कहीं पे सर्वे कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, हम उन लोगों के साथ मिलके ही हम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी लेके आने की कोशिश करते हैं, कुछ नया बनाने की कोशिश इसमें करते हैं। और इसमें इसकी विशेषताएँ क्या है, इसमें गुणात्मक तरीके अपना सकते हैं, सहभागी आख्यान, यानी कि इसके पार्टिसिपेटिव नैरेटिव हो सकता है। पार्टिसिपेटिव नैरेटिव का मतलब है कि हम ऐसे नहीं है कि हम कहीं पे गए और हम उनसे बॉस बन के बैठ गए, हम जी बताओ ये है वो है, ऐसे नहीं, हम उनका सहयोग लेते हैं, भाई हमें ये काम करना है, ये कैसे होगा भाई आप बताओ, आपकी राय क्या है, कैसे ये करना चाहिए। तो हम इसमें एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, पार्टिसिपेटरी रिसर्च इसके अंदर करते हैं और इसमें इंटरेक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब देखिए किसी का सहयोग लेके हम कोई चीज़ करेंगे तो उसमें सीधी सी बात है इंटरेक्टिविटी हमें करनी पड़ेगी। अब ये देखिए ये कोई बंदा बता रहा है और हम यहाँ पे आराम से इसको सुन रहे, ध्यान लगा के इसको सुन रहे हैं, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टिव पैराडाइम जी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये 500 पैराडाइम आपको समझ में आए होंगे और ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी ये भी आपको समझ में आई होगी। अभी दोस्तों हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं? तो चलिए दोस्तों देखते हैं आपने कितना कुछ सीखा है और किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं जी। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ये, देखिए हु अमंग द फॉलोइंग परपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम, पैराडाइम की अवधारणा किसने दी थी, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये हम करके आए थे, मैंने बताया था डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो ये देखिए ये है हमारा थॉमस कोहन, ये देखिए ये रहा इसका राइट आंसर, यहाँ से अपना हो जाएगा थॉमस कोहन। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों ये देखिए जैसे कि एक मिनट, ये देखिए ये रहा हमारा, हमें मैचअप करना है इसके अंदर ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी मैथोलॉजी और मेथड को। ऑन्टोलॉजी के बारे में हम बात करते हैं सबसे पहले और फिर है ऑन्टोलॉजी क्या है, ऑन्टोलॉजी किस पे बात करता है, जो रियलिटी है उसी के ऊपर वो फोकस करेगा, हमने पढ़ा था ना ऑन्टोलॉजी, जो वास्तविकता है उसी पे बात करता है। और उसके बाद में अगर हम बात करें इसके अंदर एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी किसकी बात करता है भाई, ज्ञान का ज्ञान कैसे हम लेते हैं, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, एक मिनट, ये देखिए एपिस्टेमोलॉजी, ये देखिए नॉलेज ऑफ नॉलेज हो गया हमारा, और ऑन्टोलॉजी हो गया हमारा व्हाट इज रियलिटी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, ये देखिए ऑन्टोलॉजी का ये हो जाएगा रिलीजन, रिलीजन यानी कि सच्चाई क्या है उस पर हो जाएगा वास्तविकता, ये आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको वास्तविकता। और फिर है एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी हमारा पॉजिटिविज्म के अंदर ही आता है, सकारात्मकता के अंदर आता है। फिर है मेथोलॉजी, मेथोलॉजी का मतलब होता है आइडियोग्राफी, यानी कि क्या मेथोलॉजी इसके अंदर लगाएंगे और हमारा काम किस तरह से होगा, तो ये चीज़ इसके अंदर है। और उसके बाद में हम बात करें दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन है इसके अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल एसोसिएटेड विद पॉजिटिविज्म, पॉजिटिविज्म से कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है प्रिंसिपल, वो हमें बताना है। अब देखिए इसमें हम एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे डिडक्टिविज्म, इंडक्टिविज्म और इंटरप्रिटिविज्म। अब देखिए इंटरप्रिटिविज्म क्या है, ये जो रिसर्च पैराडाइम है उसका प्रकार है, ना कि पॉजिटिविज्म का। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए ये क्या है हमारा, ये देखिए ये पॉजिटिविज्म है, ठीक है, और ये इंटरप्रिटिविज्म है,
इंटरप्रिटिविज्म है ये, दोनों अलग अलग है ना, कि ये जो है ये ऊपर वाले का पार्ट नहीं है, ये अलग पार्ट है, अलग भाग है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। और उसके बाद में हम बात करें, ये देखिए डिडक्टिव और इंडक्टिव, डिडक्टिव और इंडक्टिव की बात इसमें है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद देखने को मिलेगा हमें, इसमें है नहीं, कोई नहीं, वो लाइन इसमें रह गई है। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर। ये देखो, निगमनात्मक तर्क भी शामिल होता है इसमें। आगमनात्मक, आगमनात्मक और निगमनात्मक का मतलब यह, डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों का इसमें इस्तेमाल होता है। पॉजिटिविज्म में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा हमें ध्यान देने की आवश्यकता है चीजों पे। अब देखिए, इट इज अबाउट वैल्यू सच एज गुड एंड बैड, मोरल एंड इमोरल, ये किसके अंदर हमने बात की थी भाई, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, ये हमने किसके अंदर बात की थी। तो ये बात की थी हमने एक्सियोलॉजी के अंदर बात की थी, है ना, एक्सियोलॉजी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिडक्टिव इंडक्टिव ये हमने बात की थी उसमें पॉजिटिविज्म के अंदर। और एपिस्टेमोलॉजी की जो बात है वो है नॉलेज ऑफ नॉलेज, हाउ डू वी नो, ये हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखो, इन विच इंफॉर्मेशन ड्राइव्ड फ्रॉम सेंसरी एक्सपीरियंस इंटरप्रेटिव थ्रू रीजन एंड लॉजिक, ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर हम, कौन सा तरीका है जिसके अंदर हम अपने जो अनुभव है और अपने तर्क वितर्क का इस्तेमाल करके चीजों की व्याख्या करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, तो वो कौन सी है, कौन सा होगा इसके अंदर, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी। अब देखिए पॉजिटिविज्म के अंदर मैं आपको बताऊं, पॉजिटिविज्म के अंदर मैंने बताया था ना आपको, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल स्टडी प्लस में क्वांटिटेटिव और स्टैटिकल एनालिसिस हम करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये देखिए, ये है हमारा पॉजिटिविज्म है, ये देखिए पॉजिटिविज्म है, और इसके अंदर ये देखिए स्टैटिकल एनालिसिस हम कर रहे हैं, स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट हम इसमें कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। हमें, आपको सोचना पड़ेगा भाई, सर ने क्या पढ़ाया, हमने बुक्स में क्या पढ़ाया, हमने वीडियो में क्या देखा, और जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम किस तरह से रिलेट करेंगे। अब देखिए इसके जगह कुछ और भी चीज़ें आ सकती हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि सर ने पॉजिटिविज्म के अंदर क्या चीज़ बताई थी, पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या बताया था, ऑन्टोलॉजी में क्या और एक्सियोलॉजी में क्या बताया था। ये हमें जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, चाहे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लेना, आपको कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगाना जरूरी है। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, ये देखिए ये फिर से क्वेश्चन आ गया, द कॉन्सेप्ट पैराडाइम इज एसोसिएटेड विद, पैराडाइम का कॉन्सेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखिए टीएस कोहन, थॉमस कोहन, और यही क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आया था। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे भी आया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम, तो थॉमस कोहन इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, मज़ा आ रहा होगा। और अगर आपको स्टडी नोट्स चाहिए दोस्तों, 2012 से लेकर 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हमने यूनिट वाइज और सब टॉपिक वाइज अलग अलग किए हुए हैं। जैसे आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे रिसर्च का है वो अलग है, ICT के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, टीचिंग के अलग है, सभी 10 यूनिट के, और उसमें से भी सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हमने अलग अलग किए हुए हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन मिल जाते तो बिल्कुल आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं और जल्दी ही आपका पहली बार में नेट और JRF क्वालिफाई हो सकता है। अगर आपको ये लेना है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना निमिजी नेट, या फिर आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8708321010 पे मैसेज कर देना भाई, ठीक है। और अभी इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए सारे वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए पॉजिटिविज्म, इंटरप्रिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर हम बात करें, देखिए द सोशल साइंस, ये देखिए ये हमारा 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन, द सोशल साइंस रिसर्च विच इज डेटा बेस हैज बीन एसोसिएटेड विद। अब देखो डेटा बेस कौन सी हमारी ऐसी, मतलब रिसर्च पैराडाइम है जो डेटा बेस पे डिपेंड है,
अब देखो याद करो, स्टेटिकल एनालिसिस की बात हमने किस में की थी, गुणात्मक नहीं वो क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव की बात हमने किस में की थी, ये देखो क्वांटिटेटिव, आंकड़ा 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 ये रहा हमारा, ये देखिए पॉजिटिविज्म में, पॉजिटिविज्म में किसकी बात हम करते हैं, मात्रात्मक अनुसंधान, ये रहा हमारा, देख रहे ना आप, ये रहा मात्रात्मक, और ये देखिए ये रहे हमारे आंकड़े, स्टेटिकल एनालिसिस हमारा ये रहा, क्वांटिटेटिव मेथड इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, पॉजिटिविस्ट फिलोसफी। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से आंसर दे सकते हैं, समझे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, और इसमें आगे तक भी क्वेश्चन है, देखिए 2023 तक भी क्वेश्चन दे रखे हैं। देखिए एक वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन करवा पाना, थ्योरी करवा पाना ये मुश्किल होता है, तो हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें करवा रहे हैं। अगर आपको ये नोट्स और जो भी चीज़ें चाहिए, कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा जी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे हमें कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताना। तो आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। दोस्तों एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम देखते हुए हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है, कंप्लीट स्टडी कोर्स फॉर पेपर फर्स्ट। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, नंबर एक पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश में, नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, नंबर तीन पे दोस्तों आपको सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में मिलेंगे, नंबर चार पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 2023 तक जो भी हमारे क्वेश्चन आए हैं वो यूनिट वाइज किए हुए मिलेंगे, जैसे कि हमारे रिसर्च के क्वेश्चन आज तक जो आज के वो अलग है, आईसीटी के अलग है, कम्युनिकेशन के अलग है, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों जो सबसे यूनिक चीज आपको कहीं भी नहीं, हमने यूनिट में से सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी अलग किए हुए हैं, जैसे कि रिसर्च में हम बात करें टाइप ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, टाइप ऑफ सैंपलिंग, इस तरह से हम बात करें टीचिंग में टाइप ऑफ टीचिंग मेथड, मॉडल ऑफ टीचिंग, इस तरह से सभी यूनिट के सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर छह पे दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा, इनके नोट्स दिए जाएंगे, इनकी वीडियोस आपको मिलेगी, प्लस में आपको लाइव मॉक टेस्ट भी मिलेगा इनका। नंबर सात पे दोस्तों आपको मैथ और डीआई के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए मिलेंगे नोट्स के अंदर, इस दौरान दोस्तों वीडियोस आपको लाइव प्लस में रिकॉर्डेड मिलेगी, जो दोस्तों लाइव क्लास लेना चाहता है वो लाइव ले सकता है, और जो रिकॉर्डेड देखना चाहता है वो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकता है। दौरान आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप 500 से लेकर 1000 रुपए में इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और समय समय पर ऑफर चेंज होता रहता है, तो आप नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां से इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।